बेस्ट बजट लैपटॉप अंडर 30,000, 40,000 और 50,000, ये वाली वीडियो जो मैं हर मंथ बनाता हूँ और इस महीने अगस्त की लिस्ट मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो गाइज, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो मैं बता दूं आपको कि ऐसी ही वीडियो मैं हर महीने लेके आता रहता हूं बजट सेगमेंट के लैपटॉप की, लेकिन अगस्त से अब मैं शुरू कर रहा हूं इवन 60,000 और 70,000 के भी लैपटॉप की वीडियोस, वो इसी वीडियो का पार्ट टू होगा, उसके लिए एक अलग वीडियो होगी, मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से चेक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हर महीने देखने के लिए। अगस्त में वैसे तो थोड़े से लैपटॉप वगैरह ना काफी ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं अभी, और अभी सेल भी आने वाली है, फ्रीडम डे की सेल 5 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो आप हो सकता है इस वीडियो को देखकर उस समय भी खरीद सकते हो कुछ अच्छे लैपटॉप। ये जितने भी लैपटॉप मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको, ये सभी के प्राइस हो सकता है थोड़े बहुत कम भी हो जाएं, या फिर आपके SBI का अगर आपके पास कार्ड है ना तो आपको 10% का डिस्काउंट वैसे भी मिलेगा ही। जितने भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ आपको सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, विथ ऑल द मॉडल नंबर्स और पर्टिकुलर नेम जो है सभी कुछ दिया हुआ है, आप जाकर वहां से चेक कर लेना। लेकिन वीडियो को भी अंत तक जरूर देखना ताकि आप जान सको कि कौन सा लैपटॉप इसमें से जो मैं बता रहा हूँ सबसे बेहतर वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले ऐसे लैपटॉप जो 30,000 से भी नीचे के प्राइस में आते हैं, इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपको एक फुल फ्लेज्ड लैपटॉप लेना है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो, वैसे तो बहुत सारे क्रोमबुक्स भी मिलते हैं लेकिन क्रोमबुक्स आर नॉट वेरी आइडियल थिंग, ये मैं विंडोज लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ। आपको बहुत ही जनरल पर्पस के लैपटॉप चाहिए तो ही ये आप लैपटॉप कंसिडर करो, अदरवाइज मैं हमेशा कहता हूँ कि 30,000 से 40,000 वाले उस प्राइस रेंज में आपको जाना चाहिए, उसमें ज्यादा वैल्यू आपको मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ही ज्यादा टाइट बजट पे हो तो फिर इन लैपटॉप्स को कंसिडर कर सकते हो। मुझे इस पर 4 लैपटॉप फॉर्चुनेटली मिले हैं ऐसे जो कि काफी सही है। सबसे पहला लैपटॉप है ASUS का VivoBook 15, ये सेलेरॉन डुअल कोर प्रोसेसर के साथ में आता है, N4020, 4GB RAM, 256GB SSD, और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा विंडोज 10 होम का सपोर्ट, हालांकि ऑफिस का सपोर्ट यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ये थोड़ा HD रेजोल्यूशन के साथ में भी आता है और इस प्राइस पॉइंट पे तो मुझे काफ़ी जस्टिफाइड भी लगता है। 15 इंच का लैपटॉप है ये, तो थोड़ा सा आपके लिए हैवी रहने वाला है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला लैपटॉप जो लिस्ट में है वो है डेल इंस्पिरॉन 3502, और ये पार्टिकुलर लैपटॉप मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगता है क्योंकि इसमें पेंटियम का प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, और साथ में 256GB की SSD और 4GB की RAM, साथ में ये विंडोज 10 और MS ऑफिस के भी साथ में आता है, और ये सिर्फ 30,000 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख लो, बाकी मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाकर वहां से चेक कर लेना। ये लैपटॉप मुझे काफी सही लगता है इस प्राइस पॉइंट पे। अगला लैपटॉप है ASUS की तरफ से, अगेन एग्जैक्ट मॉडल नंबर ये है इसका, इसमें भी पेंटियम क्वाड कोर का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, 4GB की RAM, 256GB की PCIe वाली SSD जो कि एक फास्ट SSD होती है, और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 14 इंच का है और साथ में इसमें नंबर पैड भी दे रखा है टच पैड में, तो ये एक काफी यूनिक फीचर है। और 30,280 रुपीज, इसका प्राइस थोड़ा कभी कभी 1,000 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है, उस प्राइस पॉइंट पे ये लैपटॉप काफी सही लगता है, और अगर आपको ये खरीदना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला एक फाइनल लैपटॉप जो कि 30,000 के रेंज में आज की डेट में भी विनर कैटेगरी में बनता है, वो है HP का ये वाला लैपटॉप, एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख लो। इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक 30170U और एक 30180U, दोनों में ही थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, उसमें पेंटियम क्वाड कोर का प्रोसेसर है लेकिन इसमें सेलेरॉन डुअल कोर का प्रोसेसर है। यहाँ पर मजेदार बात, 8GB की रैम और 256GB की SSD मिलती है, ये सबसे ज़्यादा है 30,000 के प्राइस में, और ये काफ़ी लाइटवेट है। एक अच्छी बात यह है यहाँ पर IPS ग्रेड का पैनल है जो कि इसको कैटेगरी लीडर बनाता है, और 30,000 के प्राइस सेगमेंट में ये लैपटॉप एक विनर कैटेगरी का लैपटॉप बन जाता है। आप आंख बंद करके ये लैपटॉप खरीद सकते हो, इसमें भी आपको विंडोज 10 होम और MS ऑफिस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अब बारी आती है 30,000 से अबव लेकिन 40,000 से नीचे वाले लैपटॉप की, और इसमें काफी ही इंटरेस्टिंग से लैपटॉप मुझे मिले हैं, आपको मैं वो सभी कुछ बताता हूँ। ASUS VivoBook 14, ये 2020 का मॉडल है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पर प्रोसेसर जो है थोड़ा सा पुराना है, इंटेल का i3 10th जनरेशन प्रोसेसर, 4GB की रैम, 256GB की NVMe SSD, एंड विच इज गुड पार्ट, विंडोज 10 और MS ऑफिस दोनों के साथ में आता है,
और सिर्फ 36,000 का है। इस प्राइस पॉइंट में ये लैपटॉप तो काफी वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है, क्योंकि एनीवेज अगर देखो तो आप काफी कॉम्पैक्ट सा है और इसमें भले ही बहुत ही लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर ना हो लेकिन बहुत पुराना भी नहीं है, जस्ट वन जनरेशन ओल्ड है, तो दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी गुड लैपटॉप। अगला लैपटॉप है डेल की तरफ से, डेल का वॉस्टो 3401। इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें भी विंडोज 10 एमएस ऑफिस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अच्छी बात यहाँ पर सबसे जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है 256 GB की SSD प्लस 1 TB की हार्ड ड्राइव, तो आपको दोनों का फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मिल जाएगा। 4 GB की रैम और 14 इंच का डिस्प्ले ये भी है। और अब बारी आती है 30-40,000 में 15 इंच के जो लैपटॉप हैं, मैं वहां भी आपको दो लैपटॉप बता सकता हूँ, काफी सही लैपटॉप मुझे ये दोनों लगे हैं। 15 इंच में जो पहला लैपटॉप रहेगा वो है डेल इंस्पिरॉन का 3501। इससे बेटर लैपटॉप मुझे और कोई नहीं लगता है, क्योंकि इसमें 15 इंच का डिस्प्ले वगैरह तो है ही, 4 GB की रैम, 256 GB की SSD, लेकिन यहाँ पर i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर है। हालांकि बहुत ही एडवांस्ड वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 11th जनरेशन का प्रोसेसर है, विच इज अ गुड पार्ट। और इसका जो डिजाइन वगैरह भी है थोड़ा ठीक ठाक सा ही है, इसमें भी आपको विंडोज 10 एमएस ऑफिस वगैरह का सपोर्ट मिल जाएगा देखने को। अगला एक फाइनल लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि इस लैपटॉप के साथ ऑलमोस्ट टाई अप होता है, सेम टू सेम लैपटॉप है, डेल का इंस्पिरॉन 3501। दोनों ही लैपटॉप है, दोनों ही अलग अलग वेरियंट है, लेकिन ये लैपटॉप लेना आपके लिए काफी बेनिफिशियल रह सकता है, क्योंकि इसमें 8 GB की रैम है। हाँ, प्रोसेसर थोड़ा सा कमजोर है, 10th जनरेशन का है, लेकिन इतना भी ज्यादा ड्रॉबैक नहीं है यहाँ पर वो उसका, बाकी सभी कुछ सेम टू सेम है, बस यहाँ पर रैम आपको ज्यादा मिल जाएगी और ये भी 15 इंच का फुल HD लैपटॉप है। तो इन दोनों लैपटॉप में आपको अगर लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए तो फिर ये वाला आप ले सकते हो, सेम है, आप एग्जैक्ट मॉडल नंबर स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी डाल दूंगा ये सारी चीजें। और अब बात करते हैं सबसे ज्यादा फोकस्ड कैटेगरी की, वो है 40-50,000। इस प्राइस रेंज में ना मतलब काफी सही लैपटॉप अक्सर होते हैं, इससे बिलो जाना ना थोड़ा आपको ना तो IPS डिस्प्ले वहां पे मिलता है या तो रैम वगैरह काफी कम्प्रोमाइज सी रहती है, लेकिन जो 40-50,000 का सेगमेंट है वो सबसे कैटेगरी लीडर है और मुझे काफी सही लगते हैं ये सारे लैपटॉप्स, तो आप इन्हीं में से खरीदना, सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें आपको मिलने वाली है। तो पहले 14 इंच वाले लैपटॉप की बात करेंगे जो कि 40-50,000 वाले सेगमेंट में है, वो है लेनोवो का आइडियापैड स्लिम 3। इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर स्क्रीन पे देख लो। इसमें i3 11th जनरेशन प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, 256 GB की SSD है, विंडोज 10 और एमएस ऑफिस के साथ में, प्लस बैकलिट कीबोर्ड फिंगरप्रिंट रीडर यहाँ पर आपको सभी कुछ मिल जाएगा। और आपको लिनोवो के लैपटॉप में अक्सर प्राइवेसी शटर वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है। इसकी सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट 300 nits की ब्राइटनेस, तो आप देखो ना सिर्फ 44,000 में आपको काफी अच्छी वैल्यू इस लैपटॉप पे देखने को मिल जाएगी। अगला लैपटॉप जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है HP की तरफ से, ऑफकोर्स ये मेरा फेवरेट लैपटॉप लास्ट वाले वीडियो में भी था जब मैं जुलाई का वीडियो बनाया था। ये है 14S DY2500TU। इसका एक दूसरा वेरिएंट भी है 2501TU, दोनों सेम टू सेम लैपटॉप है। इसमें आपको देखने को मिलेगा 8 GB का रैम, 256 GB SSD, विंडोज 10, एमएस ऑफिस, फुल HD स्क्रीन, IPS डिस्प्ले एंड i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर। ये भी लैपटॉप काफी सही है, थोड़ा स्टोरेज यहाँ ज्यादा होती तो अच्छा होता, लेकिन अगर आपका बजट मान लो 40,000 है तो आपको सिर्फ इतना सा देकर ना मतलब काफी सही लैपटॉप मिलेगा। इसका डिस्प्ले वगैरह काफी सही है, जो लैपटॉप मैंने 40,000 से नीचे में बताया उसमें IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं था, एक जो 30,000 का था HP का उसमें ही IPS डिस्प्ले था, तो ये तो बात रहने वाली है। अगला लैपटॉप मैं बताऊंगा ये है Asus का VivoBook Ultra 14, और ये लैपटॉप इस बार काफी सही लगा मुझे क्योंकि इसमें 512 GB की SSD है। दिस इज द मेन हाइलाइटिंग पॉइंट ऑफ दिस लैपटॉप, और यहाँ पर 8 GB की रैम, i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर और साथ में लगा हुआ है IPS ग्रेड का पैनल भी, 250 nits का ब्राइटनेस है तो चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो, और 1.4 kg इन वेट जो कि काफी थिन एंड लाइट इसको बना देता है। Asus का VivoBook Ultra 14 इज अ काइंड ऑफ वेरी गुड लैपटॉप, एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख लो, और मुझे लगता है कि 45,000 में ऑलमोस्ट इसे खरीदना ना काफी वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अगला जो एक लैपटॉप मैं बताऊंगा जो कि 14 इंच में आता है 40-50,000 में, ये सबसे फाइनल लैपटॉप रहेगा, MSI का मॉडर्न कोर i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर। ये जो i5 10th जनरेशन प्रोसेसर है ना i3 11th जनरेशन से तो ज्यादा ही बेटर है, क्योंकि i5 में आपको 4 कोर देखने को मिलते हैं, जबकि i3 वगैरह में जो बेसिक प्रोसेसर है अक्सर जो लैपटॉप में लगे हुए हैं उसमें सिर्फ डुअल कोर का प्रोसेसर मिलता है। तो ये i5 वाला जो प्रोसेसर है इसमें मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट वगैरह भी ज्यादा सही रहेगी। हाँ, थोड़ा सा जनरेशन ओल्ड है लेकिन प्राइस भी उस हिसाब से कम है,
50,000 रुपीज़ में आपको एक अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी का लैपटॉप देखने को ये मिल जाएगा। और इसमें लगी हुई है 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, विंडोज 10 होम के साथ में ये आता है। बस एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सपोर्ट नहीं मिलता है, वो एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ भी फुल HD LED बैकलिट IPS डिस्प्ले लगा हुआ है 60Hz का रिफ्रेश रेट वाला। That is very common, सभी लैपटॉप में ऑलमोस्ट यही कुछ मिल रहे हैं। मैं ये अपनी हर वीडियो में ध्यान रखता हूँ कि जितने भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट सेम टू सेम लेवल के हों, ताकि आपको एक बेटर कंपैरिजन करने का मौका मिले। अक्सर क्या होता है ना, हमसे बहुत सारे लैपटॉप अक्सर मिस हो जाया करते, भाई इसमें ही वही प्राइस पे ये भी है, वही प्राइस पे, व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली। तो वही चीज मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश इन वीडियोस में करता हूँ। अब बात करते हैं 15 इंच के लैपटॉप 40 से 50,000 के बीच के प्राइस रेंज में। सबसे पहला लैपटॉप 15 इंच की कैटेगरी में वो है FQ2075TU। दिस वेरी गुड लैपटॉप, मैं पहले भी अपने वीडियो में बताया था इसे, ये आज भी सही है। बशर्ते इसमें भी आपको हार्ड डिस्क स्पेस जो है SSD की, वो सिर्फ 256 GB मिलेगी, 8 GB की रैम, इंटेल i3 11th जनरेशन प्रोसेसर, और साथ में इसमें भी विंडोज 10 MS ऑफिस का सपोर्ट मिलेगा आपको। और यहाँ पर जो रैम वगैरह है वो भी काफ़ी सही है, IPS ग्रेड का पैनल वगैरह इसमें भी लगा हुआ है। 15 इंच के लैपटॉप, अगर आप ऐसे अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हो या फिर आप टैली वगैरह यूज़ करते हो, तो आपको न्यूमेरिक पैड होने की वजह से ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ रखना। तो बेटर तो यही रहेगा अगर आप ऐसे CA स्टूडेंट या फिर आप कोई भी ऐसा अकाउंटिंग वगैरह का वर्क करते हो जिसमें न्यूमेरिक पैड यूज़ होता है, तो 15 इंच के लैपटॉप खरीदो, ज़्यादा सही रहता है ये। अगला लैपटॉप, एक ये भी लैपटॉप काफ़ी सही है, ये रिसेंटली लॉन्च्ड मॉडल है, अगस्त में ये नया नया आया है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि Ryzen 3 का 5300U वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, विच इज़ द मार्वलस थिंग। 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, लेकिन रुको, यहीं पर रुको, क्योंकि इस लैपटॉप में ना एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी मुझे लग गई, वो है कि IPS ग्रेड का ना डिस्प्ले नहीं है यहाँ पर। एक ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई, मैंने इसको क्लैरिफाई भी किया HP की वगैरह पे वेबसाइट पे, इसमें ना IPS ग्रेड का पैनल नहीं लगा हुआ है, तो डिस्प्ले जो है थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया। लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको ख़रीदना है तो आप ये वाला लैपटॉप खरीद सकते हो, क्योंकि 43,000 रुपीज़ में मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट वैल्यू यू कैन गेट। आपको बस एक छोटा सा कंप्रोमाइज़ करना होगा डिस्प्ले यहाँ पर, यही प्रॉब्लम हुई ना, मुझे समझ में नहीं आया कि HP ने ऐसा क्यों किया। इसी प्राइस रेंज में सारे लैपटॉप में IPS डिस्प्ले लगे हुए हैं, एक इसमें नहीं लगे हुए, नहीं तो अदरवाइज ये 43,000 ना बेस्ट पिक हो जाता आज के डेट में अगस्त में। एनीवेज आप मॉडल नंबर आप इसका देख सकते हो एग्जैक्टली, मैं लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगला जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप भी काफ़ी सही है, इसमें आपको एक एडिशनल एडवांटेज ये मिलता है ना, 256 GB प्लस 1 TB का हाइब्रिड ड्राइव, सो काइंड ऑफ SSD भी है, हार्ड ड्राइव भी है, तो आप अपना डेटा वगैरह भी स्टोर कर पाओगे। बस प्रॉब्लम क्या है ना कि ये Ryzen 3 का 3rd generation वाला प्रोसेसर है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, थोड़ा सा डाउनग्रेड प्रोसेसर है, ऑलमोस्ट 2 generation पुराना। लेकिन आपको ये जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना, ओवरऑल मुझे लगता है ये काफ़ी सही है, प्लस इसमें IPS ग्रेड का डिस्प्ले वगैरह भी है, तो ये लैपटॉप आपके लिए खरीदना काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। अगला एक फाइनल लैपटॉप जो मैं बताना चाहूँगा 15 इंच की कैटेगरी में, और ये है 40 से 50,000 के प्राइस रेंज के बीच में, 42,490 रुपीज़, IdeaPad Slim 3। एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो लैपटॉप मैंने एक बताया Lenovo का 14 इंच वाला, उसी का समझ लो ये 15 इंच वाला वर्जन है, क्योंकि सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, हालांकि यहाँ पर 256 GB का ही स्टोरेज है। मैं बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप ये वाला खरीदो, क्योंकि ये उतना भी सही नहीं है, आपको बेटर वैल्यू यहाँ इस HP वाले में मिल जाएगी ऑलमोस्ट, इस वाले में। यहाँ भी IPS ग्रेड का पैनल नहीं है और इस Lenovo में भी नहीं है, तो आप बेटर रहेगा कि इस पे जाओ, क्योंकि यहाँ 512 GB SSD है और प्लस लेटेस्ट प्रोसेसर यहाँ भी आपको देखने को मिलता है i3 11th जनरेशन से, तो ये प्रोसेसर ना ज़्यादा सही। तो बस यहाँ पर कंप्लीट होती है बजट सेगमेंट की लिस्ट, और दूसरे वीडियो में मैं बात करूँगा एबव 60,000-70,000 के जो लैपटॉप हैं उनकी मैं बात करूँगा, तो जाकर वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपका बजट ज़्यादा है ना, तो आप बेटर है कि अंडर 60,000 या अंडर 70,000 वाले लैपटॉप खरीदो। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद लाइक करो, डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, किन भी साइंस साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और इंटरेस्टेड टॉपिक वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अपने वीडियो में कुछ और ऐसे टॉपिक साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।